नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम संधियों के बारे में बात करेंगे। संधियां, जैसा कि आप जानते होंगे, संधियों का मतलब जब दो शब्द पास में आते हैं या एक साथ किए जाते हैं तो पहले शब्द के आखिरी वर्ण और आखिरी शब्द के पहले वर्ण में कुछ परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के बाद एक नया शब्द बनता है, यही संधि कहलाता है। संस्कृत में संधियां तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम यहाँ पर स्वर संधियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वो परीक्षा चाहे टेट की हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, या हिंदी से रिलेटेड अन्य कोई परीक्षा हो या संस्कृत विषय से, ये संधियाँ हर जगह पूछी जाती हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। परीक्षाओं को देने से पूर्व हमें संधियों का आना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए बात करते हैं हम स्वर संधियों की। स्वर संधियों में हम सबसे पहले बात करेंगे यण संधि की। यण संधि, यण संधि का जो सूत्र होता है वो है इको यणची, इको यणची। अब हमने इसको यहाँ पर अलग अलग करके लिख लिया, इको का इका, इकह, यण और अचि। इकह का मतलब होगा ई, ऊ, री और ल। ये कैसे होगा? इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको माहेश्वर सूत्र बताए थे और उसमें प्रत्याहार बताए थे। तो ये एक प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र में, जहाँ सूत्र शुरू होते हैं उसमें ई से लेकर का तक के बीच में जितने भी वर्ण आएंगे वो सारे एक प्रत्याहार में आएंगे और इका हमें हमने वही वर्ण रखे हैं। यण प्रत्याहार में या से लेके ला तक के जितने वर्ण आएंगे वो सब रखे जाएंगे और यह हमने आपको बताया था कि जो अंत में हलंत वाला वर्ण होता है उसको हम नहीं लिखते हैं। तो इका का मतलब हो गया ई, ऊ, री और र, और यण का मतलब हो गया य, व, र और ला। अच्छी का मतलब हो गया असमान स्वर, मतलब इससे असमान स्वर। अब हम देखते हैं इको यड़ची का मतलब होगा ई, ऊ, री या र के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है, ई, ऊ, री और र के बाद यदि कोई असमान, मतलब इससे हटके अन्य कोई स्वर आता है तो ई का या हो जाता है, ऊ का परिवर्तन वा में हो जाता है, री का परिवर्तन रा में और र का परिवर्तन ल में हो जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे इत्यादि, यहाँ पे मैंने वही उदाहरण रखे हैं जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इति, इति में अंत में ई मिला, आदि, आदि में अंत में आ, यानी ई के साथ एक असमान स्वर आया तो इसकी संधि क्या हुई? इत्यादि, यानी जब ई के साथ आ आया तो उसका परिवर्तन या में हो गया। ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो या में बदल जाएगा। उसके बाद सु, सु में उ प्लस आगतम, आगतम में आ, तो इसका क्या संधि बनेगी? स्वागतम। उ के बाद असमान स्वर आने पर ऊ किस में बदल जाएगा? वा में, तो क्या बन जाएगा? स्वागतम। उसके बाद एक इसका उदाहरण समझते हैं, पित्र में री मिला, आज्ञा में आ मिला, पित्र आज्ञा, यानी री के बाद असमान स्वर आया तो यहाँ पे हमें पित्र आज्ञा मिला र, जिसको त्र लिखेंगे। उसके बाद र आकृति, यानी र के बाद असमान स्वर आ आने पर लाकृति ही। ये परीक्षा में पूछे जाने वाले ज्यादातर शब्द हैं जिनको मैंने अपने उदाहरण के रूप में लिखा है। ये थी यण संधि। आइए बात करते हैं अयाधि संधि की। अयाधि संधि का उदाहरण है एचओ अवा या वा, एचओ आय वा या वा। इसको जब हम तोड़ते हैं तो हमें मिलता है एच, एच मतलब ए, ओ, ए, औ, ए, औ, ओ, ए, औ के परे जब कोई अन्य स्वर आ जाता है
तो उसका परिवर्तन किस रूप में होता है? ए परिवर्तित हो जाता है अय में, आय। ओ परिवर्तित हो जाता है अव में, ए अय परिवर्तित होता है आय में और अपरिवर्तित होता है आव में। ए मतलब अय, ओ मतलब अव, अय मतलब आय, अव मतलब आव। आइए इसको भी उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे चे, चे के अंत में हमें ए मिला और चे प्लस अनम, अनम में अ, ए प्लस आ, ए और आ का संधि करने पर हमें क्या मिलेगा? आय। तो यहां हमें मिला य, चयनम। उसके बाद ओ में ओ, अनम में आ, ओ और आ जब हमने जोड़ा तो हमें मिलेगा अव, यानी पवनः। फिर नए में आए प्लस अका का आ, आए प्लस आ, आय, नायक। उसके बाद पौ में औ, अकह का आ, औ प्लस आ, आग, पावकः। ये थी अयाभि संधि। उसके बाद हम बात करते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है आदगुणः। आदगुणः में हम देखते हैं अगर छोटे आ या बड़े आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है, अगर छोटे आ या बड़े आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो आउ हो जाएगा, और अगर छोटे आ या बड़े आ के बाद री या रा आए तो उसका अर हो जाएगा। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे गण में आ प्लस ईसा में ई, यानी आ प्लस ई, तो गण प्लस ईसा का क्या बनेगा? गणेशा। तो यहाँ क्या मिला हमें? ए। आ के बाद ई आने पर ए। उसके बाद महा में आ, उत्सव में उ, महा प्लस उत्सव का क्या बनेगा? महोत्सव। इसमें हमें क्या मिला? ओ। उसके बाद में देव प्लस ऋषि, देव में अ, ऋषि में र, इसको जब हमने मिलाया तो अ के बाद र आने पे अर, देवर्षि। इसके बाद एक ये आप चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछ लेते हैं या और वा क्या है, स्वर व्यंजन अर्धस्वर, तो या और वा अर्धस्वर आते हैं, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। संधि पढ़ते टाइम संधि के सूत्र को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से, सब कुछ उसी सूत्र में बताया खुद जाता है, आप उसको विच्छेद कर लीजिए। और अगर लाइन से आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो इसको समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, उसी हिसाब से हम स्वर संधियों के आगे के पार्ट्स भी बना देंगे आपके लिए। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। और प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब के बाद में सब्सक्राइब की बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। संस्कृत विषय के ज़्यादातर टॉपिक हमने अपने ज़्यादातर टॉपिक्स पे हमने वीडियोस बना रखे हैं, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।